Good morning, students. Today in MSc we are going to learn the chapter number 9, that is love nature and your country. हम लोगों को अपनी नेचर से बहुत प्यार करना चाहिए और अपनी कंट्री से भी, isn't it? A loving heart is the foundation of all knowledge. यानी एक जो बहुत सारे नॉलेज एक ब्यूटीफुल हार्ट में ही होता है, यानी बहुत सारा नॉलेज गैदर्स होता है जिनमें, जैसे आपको एक एग्जांपल में हम बताते हैं कि अगर एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इजंट इट, तो वो क्या होता है, झुका हुआ होता है, लेकिन जिसमें कोई भी फल नहीं लगा होता है वो स्ट्रेट होता है. तो यानी जो आपका झुका हुआ पेड़ है वो क्या है, डाउन टू अर्थ है. यानी हम सभी लोगों को भी डाउन टू अर्थ होना चाहिए, इज इट ट्रू? यस. Now, what do you mean by nature? Nature का मतलब क्या होता है? Nature का मतलब होता है सारी चीजें जो हमारे वर्ल्ड में और प्रेजेंट है, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, नेचर. इसका मतलब सभी चीज, जैसे कि गॉड, सन, द मून, द स्काई एंड द स्टार्स, ये सारी चीज किसमें इंक्लूड होती है, नेचर के अंदर. Different, all the different places and various creatures you see around you, आपके आस पास जितनी भी चीजें दिखाई देती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, दैट ऑल इंक्लूड्स इन नेचर. इट मीन्स द सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. इट ऑल्सो मीन्स द माउंटेन्स, हिल्स, रॉक्स, अर्थ, एयर एंड वॉटर. ये सारी चीजें इंक्लूड होती है. चिल्ड्रेन, you know that God has made this world and all the things present in it, including us. God ने इस world को बनाया है और हमें भी. He has made the world for us to enjoy. यानी उन्होंने हमारे इस world को बनाया है ताकि सभी लोग यहाँ पे अच्छे से प्रेम से रह सके और enjoy कर सके. He loves us, takes care of us and protects us. He loves, cares and protects all the other things present in the world too. God सभी चीजों को क्या करते हैं, protect करते हैं और सभी चीजों का ख्याल रखते हैं जो कुछ भी उन्होंने world में बनाया है. This means He loves, cares and protects nature. इसका मतलब होता है कि वो किसको protect कर रहे हैं और love कर रहे हैं, nature को भी. He wants us to love and care for nature. He wants us to be kind and good to nature. हमें गॉड ये सिखाते हैं कि हम लोगों को भी केयर करना चाहिए हमारे नेचर का. He wants us to be kind and good to nature. He wants us not to misuse or waste his many precious gifts such as plants, animals, streams, rivers, air, earth, which he has given us. यानी वो गॉड चाहते हैं कि हम लोग कभी भी किसी भी चीज का मिसयूज या वेस्ट ना करें, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, एयर, अर्थ. यानी इन सभी चीजों का हम लोग को क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए. सो सिंस इट इज गॉड्स विश एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज द करेक्ट थिंग टू डू, All of us should learn to love and care for and protect nature. हम सभी लोगों को केयर करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने नेचर की. There are many things we can do to show that we love and care for nature. We should never harm plants and animals. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम शो कर सकते हैं अपना लव और केयर नेचर के लिए, जैसे कि हम लोग कभी भी हार्म ना पहुंचाएं प्लांट्स और एनिमल्स को. प्लांट्स क्योंकि हम लोग को जूसी और टेस्टी फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी देते हैं. दे प्रोवाइड अस वेजिटेबल्स, मेडिसिन, वुड एंड मच मोर. बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे तुलसी, इजंट इट, ये मेडिसिन का भी काम करता है. वुड, लकड़ी, लकड़ी से हम लोग क्या बनाते हैं, आपका टेबल, चेयर्स, ये सारी चीजें उससे बनती है एंड मच मोर. सो वी शुड नॉट हर्ट देम. We should not harm the fruit bearing trees by throwing stones at them or by carving their trunks with sharp tools. आप क्या करना चाहिए, आप देखा है ना, आप लोगों को, आप लोग कभी देखे होंगे कि पत्थर से मार मार कर जो फ्रूट्स लगे होते हैं पेड़ पे उसे गिराते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. Also, we should not plug young and raw fruits just for the sake of fun. फन की वजह से हम लोगों को कभी भी प्लग नहीं करना चाहिए फ्रूट्स को. Animals give us milk, meat and eggs. We get milk from the cow, goat, sheep,
बफलो, याक एंड कैमल, इन सभी से हम लोगों को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. सम ऑफ अस ईट द मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, शीप, हेन एंड पिग. वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स, डक्स एंड गीस. व्हेन एनिमल्स डाई देयर स्किन इज यूज्ड टू मेक लेदर. स्किन जो होता है एनिमल्स का उससे क्या बनता है, लेदर. द लेदर इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट लेदर आइटम्स लाइक शूज, बेल्ट, बैग्स एंड जैकेट्स. और उसी लेदर से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि बेल्ट्स, शूज, बैग्स, जैकेट्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर बनते हैं ना, इजंट इट? यस. सो सिंस एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी शुड नॉट हार्म देम. बहुत ही काम आते हैं वो एनिमल्स हमारे, इसलिए उन्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. वी शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देम. हमें उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए और केयर करना चाहिए. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर, एयर एंड अर्थ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यानी और भी प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ ही वाटर, एयर, अर्थ, ये सारी चीजें भी क्या है, इंपॉर्टेंट है. वाटर इज यूज्ड बाय अस फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक सच एज, यानी जो वाटर है बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं हम, जैसे कि ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स. बिना पानी का ये सारे काम हो सकते हैं कि नहीं? वी कैनॉट लिव विदाउट इट. लाइक वॉटर वी ऑल्सो नीड एयर टू लिव. हवा भी जरूरत होती है हमें जिंदा रहने के लिए. वी यूज इट टू ब्रीथ, सो वी शुड यूज वॉटर एंड एयर विथ केयर. वी शुड नॉट हार्म देम बाय मेकिंग देम डर्टी. हम लोगों को कभी भी उसे डर्टी पानी को नहीं बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अर्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल प्रोवाइडेड बाय प्लैनेट अर्थ. सो सॉइल मीन्स नो प्लांट्स. नो सॉइल मीन्स नो प्लैनेट्स. यानी अगर सॉइल नहीं होगा अच्छा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे. और बिना प्लांट्स का, विदाउट प्लांट वी कैन नॉट लिव बिकॉज वी डिपेंड ऑन देम फॉर आवर फूड. एनिमल्स टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एनिमल्स को भी फूड कहां से मिलता है, प्लांट्स से ही. So, we should not harm the soil either. Rather, we should protect it and care for it. हम लोगों को care करना चाहिए. Children, all of us should remember one thing here. We should love, care and protect not only those things in nature which are useful to us but all the things in nature. हमें सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो कुछ भी nature में है. You know that besides all of us live in our homes, however, we live in a bigger home as well. This bigger home is called country. सबसे बड़ा जो घर है हमारा वो क्या कहलाता है, country. And our country is India. India is also called Bharat. She is like our mother. She is our motherland. So, she is also called Bharat Mata. Isn't it? हम लोग कहते हैं ना Bharat Mata. Yes. All of us should love our country, India or Bharat. It is our duty. We should love, respect, care for and protect her. This is because we were all born here. हम सभी लोग कहाँ जन्मे हैं? यही धरती पे, यानी भारत में. We get our food from here. We live here. This is our home. ये क्या है, हमारा घर है. Besides, there are many things for which we should be proud of our country. बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारी कंट्री इंडिया में हुई है, तो उन सभी चीजों के लिए हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए. Many great leaders and people were born in this land. We have many beautiful mountains, buildings, temples and festivals in our country. और फेस्टिवल्स यहाँ पे इंडिया में कैसे मनाते हैं, सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं. People belonging to different religions live here. बहुत सारे religions के people यहाँ पे क्या रहते हैं, रहते हैं. In fact, India is a land of many religions and languages. बहुत सारे religions के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे languages यहाँ पे बोले जाते हैं. People speak different languages here. बहुत सारे languages हैं यहाँ पे जो बोले जाते हैं. However, In spite of this, all of us are one. यानी हम सभी लोग एक हैं और हम लोग को पीस और हार्मनी में हमेशा रहना चाहिए. और सभी लोग हम लोग इंडियंस हैं. और सबसे स्पेशल बात है कि हम सभी लोग एक ही कंट्री के लोग हैं. So children, always love your country India, respect her, care for her and protect her. Every country has its national flag.
हर एक कंट्री का खुद का एक नेशनल फ्लैग होता है, जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है दैट इज द ट्राई कलर और तिरंगा। अभी 26 जनवरी आने को है, इजंट इट? यस, इट हैज 3 बैंड्स ऑन इट। ईच बैंड इज ऑफ डिफरेंट कलर, सैफ्रन एट द टॉप, व्हाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम। ट्राई कलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन है हमारा फ्लैग। देयर इज अ ब्लू व्हील इन द मिडल ऑफ द व्हाइट बैंड। The tricolor is hoisted on special occasions or national festivals such as Independence Day and Republic Day. The flag of a country represents a country or is the symbol of a country. जो flag है हमारे किसी भी country का symbol होता है. So when we love and respect our country, it means we love and respect our national flag. Whenever the tricolor is hoisted, all of us stand up to show our respect for it. जब भी झंडा फहराया जाता है तो हम लोगों को उसे क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट उसे देना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को अपने फ्लैग का, अपने भारत माता का रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो यू विल लर्न दिस चैप्टर एंड यू विल फाइंड द डिफिकल्ट वर्ड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।